नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक नई वीडियो में। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं जो मैंने ये एच एफ डीलक्स बाइक ली है इसका, और इसे मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से बाई किया है कार्ड के थ्रू। तो मैं इसके सारे स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और इस हमें ऑनलाइन बाइक लेने में क्या लाभ है, कितने रुपए का डिस्काउंट हो जाता है, और हर तरह की जानकारी जो इसके बारे में आपको चाहिए होगी ऑनलाइन बाइक खरीदने से पहले, उसकी पूरी जानकारी मैं इस बाइक में दूंगा। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस बाइक का। ये FIS में आती है, सेल्फ स्टार्ट है, नॉन i3 है, एस है, और ये ब्लू सिल्वर स्ट्रिप में है, ब्लैक और कार्बेटर में। अब ये बाइक नहीं आती, FIS में आती है, फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम जिसे कहते हैं, और इसमें इस वजह से इसमें ना ऑयल, पुरानी गाड़ियों में जैसे ऑयल बंद करने के लिए आता था वो भी नहीं है, और कार्बेटर नहीं है। दूसरा जो चेंजेस और गाड़ी इसमें क्या बदला हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो ये हमारा अब फाइबर का आ गया है, ये मैंने दीपावली के धनतेरस के आसपास इसे मैंने बाई किया था। और अगर रेट की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम जो प्राइस है वो 67,133 है, लेकिन मैंने क्योंकि फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन बाई किया था, उसकी भी डिटेल मैं आपको आगे वीडियो में दे दूंगा कि किस तरीके से आप बाई कर सकते हैं। तो मैंने इसे, इसकी एक्स शोरूम प्राइस सेम है, 67,133 है, क्योंकि ये नॉन i3 है, एस है, और इस मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस ये 67,133 है, लेकिन मुझे इस ये 56,100 की पड़ी। तो एजेंसियों पर भी 5,000 रुपये का ऑन कैश, अगर कोई गाड़ी आप खरीदते हो तो आप 5,000 का पहले ऑन कैश एजेंसी पे कंपनी की तरफ से डिस्काउंट था, दूसरा बाद बाकी 62,000 और ये 6,000-7,000 रुपये का मुझे मेरे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड पर से मैंने पेमेंट किया था, इस वजह से मुझे उस पर डिस्काउंट मिला। तो ये तो मुझे 56,000 कुछ की तो ऐसे पड़ गई। और फिर आप जो भी फ्लिपकार्ट यूज करते होंगे या फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का कार्ड यूज करते होंगे तो आपको ये जानकारी होगी कि कोई भी फ्लिपकार्ट से अगर उस कार्ड सामान खरीदते हो और उसका पेमेंट अगर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक से होता है तो 5% कैशबैक आपको और मिलता है, लाभ मिला। अब बात आती है कि क्या हम ऑनलाइन बाइक खरीदने पे वही बाइक मिलती है जो एजेंसी से आती है या जो कंपनी से आती है, कोई अलग तो बाइक नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, उन्हें पेमेंट से मतलब है और उन्हें कोई मतलब नहीं है। आप जो भी बाइक खड़ी है, जो भी आपको पसंद आएगी, वैसे तो वो बुकिंग नंबर उसी समय डाल देते हैं जैसे ही आप बुकिंग करते हैं तो उसी समय डाल देते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ भी मुझे अंतर नहीं है। आप देख लीजिए इस गाड़ी को, किसी भी तरह की कोई भी अंतर नहीं है, और ये अभी ज्यादा चली भी नहीं है, 5-6। तो इसलिए आप अगर ऑन कैश गाड़ी खरीद रहे हो और आपके आसपास या आप पे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का कार्ड है, SBI, HDFC इसका कार्ड है, वैसे सबसे ज्यादा जो ऑफर है वो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड पे मिला, फिर देखने पे होगा कि क्या हमें लाभ होगा। लेकिन याद रखिएगा जो 5,000 का डिस्काउंट है वो सबके लिए था, वो मेरे लिए स्पेशली नहीं था। आप भी अगर कैश में गाड़ी खरीदते हो तो आपको भी 5,000 का उस समय एजेंसी पे मिलता है जो कि त्योहार के समय आता है। दूसरा जो कार्ड का ऑफर मुझे मिला वो 7,000 का इस गाड़ी पे मिला। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, 67,133 इसके एक्सोरूम रेट है, मुझे ये 56,000 कुछ की पड़ी है। एग्जैक्ट मैं रेट नहीं बता सकता, लेकिन मैं बाद में इसी वीडियो में ऑर्डर डिटेल लगा दूंगा, आप देखिए। अब दूसरी बात, इसे ऑर्डर कैसे करें, या आप जरूरी नहीं है कि आप जहां रहते हो, जरूरी नहीं है आप जहां रहते हो वहीं ये अवेलेबल हो या उस एजेंसी पे अवेलेबल हो, ये एजेंसी के ऊपर है कि वो ऑनलाइन बुकिंग ले रहे हैं फ्लिपकार्ट द्वारा कि नहीं ले रहे हैं। तो
तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी है, होम डिलीवरी नहीं होती। एक शोरूम प्राइस आपका पेमेंट होता है, बाद बाकी रजिस्ट्रेशन, बीमा और एसेसरीज का जो भी 15,000 कुछ का पड़ता हुआ है वो उस हिसाब से। लेकिन इसका एक्स शोरूम प्राइस जो यूपी में है, ये सुल्तानपुर रजिस्टर नंबर है UP44, तो वहीं से मैंने महावीर ऑटो सुल्तानपुर से खरीदी थी। और ये और भी जगह मैंने पता किया, तो ऐसा नहीं है कि हमें एक पिन कोड पे अगर अवेलेबल नहीं हो रही तो दूसरे पे नहीं हो रही। होम डिलीवरी होनी नहीं है, आपको जाके एजेंसी से ही लेनी पड़ेगी। तो आपको और भी आसपास के जिलों के या आसपास के शहरों के जहां एजेंसी हैं, बड़ी एजेंसियां हैं, उसके भी आप पिन डाल के ट्राई कर सकते हो। और एक बार पिन आपने डाल दिया, उसी पिन की पे जो भी एजेंसी होगी हीरो की, वो अगर वहां अवेलेबल है ये फ्लिपकार्ट के थ्रू ऑर्डर लेना, तो आपको वहां अवेलेबल दिखाएगा। वो मैं आपको वीडियो के बाद में पूरी डिटेल डाल दूंगा, फ्लिपकार्ट में कैसे सर्च करें, कैसे ऑफर चेक करें, कैसे चेक कर लें, तो ये सारा कुछ दिखा दूंगा। दूसरी बात कि हमें ऑर्डर लगाने के कितने दिन बाद गाड़ी मिल जाती, तो ऑर्डर लगाने के 24 आवर में आप कॉल कर लीजिए 24 घंटे में एजेंसी को, अपनी ऑर्डर डिटेल दे दीजिएगा, नाम बता दीजिएगा, तो वो खुद 24 घंटे में या तो आपके पास फोन आ जाएगा या आप खुद फोन करके जानकारी दे दीजिए कि ये ऑर्डर नंबर हम कब तक आ जाए। दूसरा, आपको रजिस्ट्रेशन, बीमा और एसेसरीज का जो भी पैसा मांगेंगे, या तो आप एजेंसी पे बुकिंग करने से पहले आप उसे कंफर्म करने, या फिर बुकिंग करने के बाद, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट और वो लेके जाने पड़ेंगे। आप ऑर्डर लगाने के 24 घंटे के भीतर भी गाड़ी उठा सकते हो, जो कलर आपने फ्लिपकार्ट के ऑर्डर में दिया होगा वही गाड़ी, अगर कलर की अवेलेबल है, हो सकता है कि उस समय अवेलेबल ना रही हो, तो आपको समय थोड़ा लग सकता है, 2 दिन का 3 दिन का, क्योंकि वो एजेंसी पे आएगी तब मिलेगी। ये जितनी भी एसेसरीज है, तो 67,133 इसका एक्सरूम प्राइस था जो मैंने आपको बताया, उसमें मुझे 56,000 कुछ की पड़ी है, उसमें 5,000 का सबके लिए डिस्काउंट था, क्योंकि दीपावली का अवसर पे ही डिस्काउंट आया था, तो वो सबके लिए था, कैश लेने पर EMI नहीं बिल्कुल। अब दूसरा, 6-7 हज़ार का मुझे लमसम ऐसे डिस्काउंट मिल गया, और 2300 का बाद में उस पर, तो मुझे कुल मिला के 7 और 2300, 9, 9,500 का वो, और 5,000 का जो कंपनी ने उस पर छूट दी थी वो मिल गई। तो ये इसका मैं, किसे खरीदना चाहिए, किसे नहीं खरीदना चाहिए, कौन इसका लाभ पास। अगर ऑनलाइन खरीदने के वैसे कोई लाभ नहीं है अगर आप पे किसी तरह के क्रेडिट कार्ड नहीं है, और फ्लिपकार्ट से अवेलेबल है तो फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक कार्ड या कोई कार्ड होना चाहिए। अब ऑफर आने के समय, जब त्योहारों पर, होली पर, दीपावली पर, रक्षाबंधन पर, धनतेरस पर, ये आपको ऑफर दिखते हैं, उसके लिए तब आपको 100% इतना ऑफर ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं तो ज़्यादातर ऑफर फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक कार्ड, SBI कार्ड, HDFC, इन सब पर आते हैं। तो या तो आप पर ये कार्ड होने चाहिए, या आपके आसपास पड़ोसी रिश्तेदार पे होना चाहिए जो आपको बाई करा सके, तब तो आप इस गाड़ी पे जो डिस्काउंट एक्स शोरूम प्राइस पे है वो, तब तो वो ले सकते हैं ना, अन्यथा इसका कोई लाभ आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये ऑफर जो मिलेंगे वो कार्ड पे ही मिलेंगे। हाँ, 5,000 वाला ऑफर आपने भी काफी बार सुना होगा, कि 5,000 वाला ऑफर हम कितने